सुबह के वक्त जब सूर्योदय होता है तो आप सूर्य को देखते हैं उगते हुए। रात को फिर चंद्रमा आकाश में आता है, आकाश चमकता है, बहुत सारे तारे होते हैं। इन सब को देखकर मन में एक प्रश्न उठना बड़ा स्वाभाविक है कि इन सब के बीच में पृथ्वी का स्थान और उस पर रहने वाले पृथ्वीवासियों का स्थान आकार में क्या है, और अन्य जो दूसरे आकाशीय पिंड हैं, जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनके बीच में पृथ्वी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। इस बात का अनुमान आप यहीं से लगाना शुरू कर सकते हैं कि आपका जो सूर्य है एक मध्यम आकार का तारा है, और अगर पृथ्वियों को उसके अंदर भरना शुरू किया जाए तो लगभग 13 लाख पृथ्वियां इसमें आ जाएंगी। सिर्फ पृथ्वी कोई बहुत बड़ा ग्रह नहीं है, सौरमंडल में बृहस्पति भी है, जिसमें सारे के सारे दूसरे ग्रहों को अगर मिला के डाल दिया जाए तो सारे के सारे ग्रह उसमें समा जाएंगे। अगर पृथ्वी की तुलना बृहस्पति से की जाए तो उसमें लगभग 1300 1300 पृथ्वियों के बराबर आयतन आता है। अगर 1300 पृथ्वियां भर दी जाएं तब जाके बृहस्पति के आयतन को प्राप्त करेंगे। ऐसे अरबों अरब खरबों खरब तारे हैं जिनसे मिलकर एक बड़ी आकाशगंगा बनती है, एक बड़ी गैलेक्सी बनती है, और उस गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी या आकाशगंगा कहा जाता है। लगभग 200 अरब गैलेक्सियां हैं जिनसे मिलकर दिखाई पड़ने वाला ब्रह्मांड बना है। उम्मीद की जाती है कि ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा ही मनुष्य आज तक देख पाया है, बाकी जो बड़ा हिस्सा है वो आज तक दिखाई नहीं दिया। और जो दिखाई पड़ने वाला ब्रह्मांड का हिस्सा है उसमें लगभग 200 अरब गैलेक्सियां हैं। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में तो हम गैलेक्सियों का मात्र अंदाजा लगा सकते हैं। एक नई थ्योरी आई है, एक नया विश्वास है। एलिस जॉर्ज किचनर और स्टोगर ने 2004 में कुछ शोध किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि इस दुनिया में कोई एक ही यूनिवर्स नहीं है, यहाँ तो यूनिवर्सों की भरमार है। अरबों अरब खरबों खरब यूनिवर्स हैं, अरबों अरब ब्रह्मांड हैं, खरबों खरब ब्रह्मांड हैं। यूनिवर्स नाम के कॉन्सेप्ट से हटाकर मल्टीवर्स नाम दिया है। यदि आप किसी प्रकार से मिल्की वे आकाशगंगा का एक मानचित्र बना पाए, नक्शा बना पाए, और वो नक्शा लगभग इतना बड़ा हो जिसे एक मेज पर फैलाया जा सके, तो उस नक्शे में सौरमंडल को ढूंढना नंगी आंखों से संभव नहीं होगा। सौरमंडल को ढूंढने के लिए उसमें किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गैलेक्सी और सौरमंडल के तुलनात्मक आकार क्या होते हैं। लेकिन जहां अरबों अरब गैलेक्सियां हों, खरबों खरब गैलेक्सियां हों, 200 खरब गैलेक्सियां तो वो गैलेक्सियां हैं जिनको देखा जा सकता है, जो अब तक हमारी नजर में आ चुकी हैं। तो उन 200 खरब गैलेक्सियों के बीच में आपके सौरमंडल की स्थिति कहाँ होगी? और ये तो दृश्यमान यूनिवर्स की बात है, जो दिखाई पड़ने वाला यूनिवर्स है उसकी बात है, इससे परे के यूनिवर्स को तो अभी देखा नहीं गया है। और ये तो फिर अगर देखा भी जाए तो एक यूनिवर्स की बात हुई। ऐसे तो खरबों खरब यूनिवर्स हैं, उन सभी यूनिवर्सेस को मिला के आपके यूनिवर्स को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, उसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। आकाशगंगा की तो बात ही छोड़ दीजिए। और जब आप आकाशगंगा को नहीं देख पा रहे हैं तो अपने सोलर सिस्टम को कैसे देख पाएंगे? और जब सोलर सिस्टम को नहीं देख पाते हैं तब आप पृथ्वी दूसरे ग्रहों को कैसे देख पाएंगे? आकार का बहुत अंतर आ गया है। और अगर आप पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं तब आपका प्लॉट, जो 2 एकड़ का फार्म हाउस आपने बनवा लिया है, वो आप कैसे देख पाएंगे? वो फार्म हाउस जिसको लेकर आप में बड़ा अभिमान आ गया है, वो फार्म हाउस जिसको लेकर आपके मन में बड़ी महिमा है, आपको लगता है कि आप तो भूपति हो गए हैं, आपने अपने नाम के साथ लैंडलॉर्ड जोड़ दिया है, भूस्वामी जोड़ दिया है, और आप स्वामित्व की भावना से भर उठे हैं। आपका वो 10 एकड़ का फार्म भी नहीं दिखाई देगा जिसने आपके अहंकार को बहुत इन्फ्लेट कर दिया है, उसको भी आप नहीं देख पाएंगे। तब इस पूरे मल्टीवर्स सिस्टम में आपके उस फार्म हाउस की, आपके उस फार्म की स्थिति कहाँ होगी, ये समझ से परे की बात है।
कोई भी गणित की मॉडल इसको नहीं समझा सकता है। और अगर गणित इसको नहीं समझा सकता है तब उस फार्म हाउस से जो अहंकार पैदा होता है, जो आपके भीतर प्रभुता का संचार करता है, जिसके आधार पर आप स्वयं को एक कल्याणकारी व्यक्ति होने की, कल्याणकारी शासक होने की, कल्याणकारी नेता होने की, अधिकारी होने की ईगो पाल बैठे हैं, उस फार्म को कैसे देखा जा सकेगा? वह तो एक बिंदु पर भी नहीं है। इस प्रभु के संसार में, इस प्रभु के जगत में आपके अहंकार का जो केंद्र है वह तो बिंदु भर भी अस्तित्व नहीं रखता। तब आपकी प्रभुता कैसी प्रभुता है? वो क्या चीज है जिसने आपको भर दिया है अहंकार से? वो क्या चीज है जिसने आपको भर दिया है घमंड से, अभिमान से? कहीं पढ़ता था मैं एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ता था, उसमें लिखा था, बेच सको तो बेच कर दिखाओ अपने अहंकार को, OLX पर एक रुपया भी नहीं मिलेगा, तभी पता चलेगा कि क्या फालतू चीज पकड़ रखी थी अब तक। बात तो अच्छी है, परंतु क्या ये इतनी सरल है कि एक व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ा और आपने अहंकार छोड़ दिया? क्योंकि अगर वो इतना सरल होता तब तो साधनाओं का कोई उपाय नहीं बचता। जिस अहंकार को लेकर मनुष्य आज तक परेशान रहा और जिस अहंकार से वो अभी भी ग्रस्त है, जिस अहंकार के कारण वो प्रभु से प्रभुता की बराबरी करता है, करना चाहता है, उस अहंकार को ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। अगर छोड़ पाता तब तो इन व्हाट्सएप मैसेजेस की कोई आवश्यकता ही न बचती। प्रश्न यही है, इस अहंकार को कैसे छोड़ा जाए?